हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एग्जामिनेशन शेड्यूल क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड की। देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है 16 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं और इसमें जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जानकारी दी है कि ये परीक्षाएँ जो है आपकी 16 फरवरी से स्टार्ट होकर के 4 मार्च तक समाप्त हो जाएंगी। और इसमें जो है बहुत ही कम दिवसों में पेपर कराया जाएगा। 13 कार्य दिवसों में हाई स्कूल की और 14 कार्य दिवसों में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी सुनिश्चित की गई है। तो इसमें जो है आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसमें और दिया गया है कि पेपर्स में बहुत कम जो है गैपिंग आपको दी गई है। 27 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा रखी गई और 28 फरवरी को हाई स्कूल की परीक्षा होनी नहीं है। 1 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। आइए आपको शेड्यूल दिखाते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा रहेगा आपका शेड्यूल। 16 फरवरी हिंदी क्लास 10th की, क्लास 12 की हिंदी, और 20 को गृह विज्ञान भूगोल रहेगा उसमें यूनिंग में। 21 को मैथ रहेगी क्लास 10th की, 22 को संस्कृत, 25 को चित्रकला, 27 को विज्ञान, 1 को अंग्रेजी, 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार से शेड्यूल इसमें भी आपको मैंने दे दिया है। केमिस्ट्री का पेपर जो है आपका लास्ट पेपर होगा, तो इसको जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए।